हु इज वीर साहू। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, वीर साहू कौन है। आजकल YouTube पर और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो वायरल हो रही है, वीर साहू एक टॉप मुद्दा वायरल हो रहा है। वीर साहू के नाम से वीर साहू लाइव आते हैं। कौन है ये वीर साहू? आजकल ये क्यों वायरल है? वीर साहू हरियाणा के म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और एक्टर आप कह सकते हैं। गाने बनाते हैं, ये हरियाणवी कल्चर को लेकर, हरियाणवी कल्चर को सपोर्ट भी करते हैं बाकायदा। YouTube पे आप देख भी सकते हैं इन वीर साहू के सॉन्ग, तो आ जाएंगे आपको देखने में। इनकी ये वायरल क्यों है और क्या मुद्दा है इनका? एक और हरियाणा से ही हैं, हरस छिकारा, जो सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गरीब असहायों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं वो, और बाकायदा उनकी हेल्प भी करते हैं। तो वीर साहू और हर्ष चिकारा की कंट्रोवर्सी क्या है, इनका क्या विवाद है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं आज चली हुई है। सुनने में आया, देखने में आया कि हर्ष चिकारा भाई ने बधाई मात्र, एक कॉन्ग्रेचुलेशन के रूप में एक मैसेज किया था, पब्लिश किया था उसको। लोगों ने, मुद्दा कुछ नहीं था, लोगों ने मुद्दा बना दिया उसका, ऐसे वैसे कमेंट करके, शेयर करके, मीम बनाकर उस मुद्दे को अनावश्यक ही राई का पहाड़ बना दिया गया। दोस्तों वो मुद्दा वीर साहू तक पहुंचा, वीर साहू को बुरा लगा, वीर साहू ने भी उस जो कंटेंट था उसको लेकर लाइव आए और बुरा भला कहा जो ऐसा कर रहे थे उनको। फिर उनके भी लाइव वीडियो को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने ये कहा कि ये पूरे हरियाणा को गाली दे रहा है, ये है वो है। तो मेरे भाई, आप दोनों ही हरियाणा के सच्चे कलाकार हो, सच्चे हितैषी हो। आप के चैनल और आपके पेज पे काफ़ी लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। वो इस तरह की आप एक्टिविटी करोगे तो आप उनको क्या शिक्षा दोगे? और बाकायदा आपके चाहने वाले हैं पेज पर और आपके यूट्यूब चैनलों पर। तो दोनों भाइयों को मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई मन मुटाव है तो आप एड्रेस तो भली भांति आप एक दूसरे का जानते हैं, लाइव आकर भी एक दूसरे को छीटा कसी क्यों कर रहे हो? और कल मैंने एक देखा वीडियो, उसमें महम चौबीसी का भी जिक्र है। महम में आके बाकायदा रैली सी निकाली गई और एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं या एक बचपना ही कह सकते हैं भाई का। भाई ने जो काम किया है वो ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला था, कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, किसी की फैमिली जो है उसको लेकर कमेंट और इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि किसी को बुरी लगे। फिर भी अगर कही भी गई है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इस तरह का मनमुटाव है तो एक मंच बनाकर या एक सुलह कर लेनी चाहिए जहाँ तक सूद बैठता हो, क्योंकि इससे हरियाणा का भाईचारा और भी बिगड़ रहा है। दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें अपना दी बेस्ट दें,
आप एक्टर एज ए सिंगर एक कंपोजर काम कर रहे हैं तो अपना उसी मार्ग पर चलें, ये अनावश्यक बातें हैं इनको इग्नोर करें। और सभी भाईचारे से मैं निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे को गलत तरीके से न करें। दोनों ही अपने हरियाणा के भाई हैं, अपने हरियाणा की शान है, हरियाणा के लिए अच्छा कर रहे हैं, हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, महम चौबीसी का भी कई वीडियो मैंने देखा है, हरियाणा के जाने माने यूट्यूबर जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर वाले भी वहाँ दिख रहे हैं, और हरियाणा भाईचारा के नाम से जो चैनल है उसके भाई साहब हैं लवकुश दहिया, मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, वो भी वीडियो बनाई है। तो अन्य भी यूट्यूबर ने इसको इस मुद्दे को लेकर वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हरियाणा नंबर वन है मेडल के, और खाने पाने और अपने रहन सहन और खाने पीने और खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसकी ऐसी पहचान आगे भी बरकरार रहनी चाहिए और भाईचारा, यहाँ का भाईचारा ऐसे ही बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय हरियाणा और जय भाईचारा।